चलिए सीधा आपको महम लिए चलते हैं, जहां पर बीजेपी नेता बलराज कुंडू संबोधित कर रहे हैं। आज आपकी आवाज दिल्ली और चंडीगढ़ तक पहुंच चुकी है और जिस प्रकार से आज आपने अलग जगाई है, तो निश्चित रूप से मैं इस बात को आज मेरा मन गवाही देता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के अंदर जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर देश में एक झंडा एक संविधान का काम किया है। गाली आंदे हैं उन तक डरने की जरूरत नहीं है, आपकी आवाज आज दिल्ली तक पहुंच चुकी है। भाई बलराज कुंडू की भाई का समर्थन करने के लिए दंडवत उठा करके नारा लगाएंगे, भाई बलराज कुंडू की, चौबीसी के सेवक की, नहीं की। आप को मैं एक विश्वास दिलाता हूं और आज अपनी सभी बहनों को रक्षाबंधन के तोहफे के रूप में एक संकल्प लेता हूं कि आपका ये भाई आपका ये बेटा आपकी सेवा के लिए अपने खून का एक एक कतरा बहा देगा, आपके हकों पर डाका नहीं डालने देगा। और आपने ये संकल्प लेता हूं कि मेरे क्षेत्र के लोगों के लिए इनके विकास के लिए दिन रात एक कर दूंगा, किसी को डाका नहीं डालने दूंगा और आपका हक किसी को छीनने नहीं दूंगा। और इसका आने वाले 2 महीने के बाद होने वाले चुनाव के अंदर आप सबका ये जोश और आशीर्वाद इस बात की एक आगाज है कि यहां महम 24 के अंदर आप किसी की जमानत बचने वाली नहीं है। और मैं आप सबको एक और निवेदन करना चाहता हूं, आज वो जो पुराने जिनके कब्जे थे, भैया मैं अपनी बहनों से कहता हूं 5 मिनट बैठ जाओ 5 मिनट, और वो जिनके कब्जे थे यहां पर ये तो फलाने का वे सारे तैयार बैठे हैं, को उनने टोक लियो थारा परिवार बढ़ने के लिए तैयार बैठा है। और आप सबकी ये जिम्मेवारी बनती है, आप सबकी ये जिम्मेवारी मैंने आपको लगाई है कि मेरे महम हल्के की बहन बेटियां जो मेरे सामने बैठी हैं वो तो आराम से आज कॉलेज में जाती है, लेकिन जो पूरे हरियाणा प्रदेश की बेटियां हैं वो भी हमारी ही बेटियां हैं। अब उनको ये सुविधा देने का काम आपको करना है। मैंने जो अलग लगाई है इस शिक्षा के लिए, ये सुरक्षित सफर देने का लिया, उसकी मुहिम चल चुकी है और आज हरियाणा प्रदेश में अलग अनेकों विधानसभाओं में करीब 30 बसें उन नेताओं ने कोई 2 चलावे कोई 1 चलावे है किसी ने 3 चलाई चालू करनी शुरू कर दी है। और आपने अगर ये इतिहास रच दिया और हरियाणा प्रदेश में जनसेवा के नाम पे सबसे बड़ी जीत दर्ज कर दी, तो मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ अगले विधानसभा से पहले हर एक हल्के में 10-10 गाड़ियां चलती देखोगे तो पूरे प्रदेश की बेटियों को श्रेय उसको पढ़ाने का श्रेय आपको जाएगा। भाई बलराज कुंडू की, भाई बलराज कुंडू आगे बढ़ाओ, क्योंकि ये जो अलग मेरा राजनीति में आने का उद्देश्य एकमात्र यही था कि ये जो अपने घर भरने का काम करते हैं, बड़े बड़े राजघराने बन बैठे हैं इस राजनीति के सहारे, उन राजघरानों से आपका पीछा छुड़ाकर आपको जनसेवा का एक सेवक देने की के लिए आपको जगह जागृत करने के लिए मैंने, क्योंकि पीछे जितने 15 साल से आपने जिसको अपना विधायक चुना है उसने गांव के अंदर 5-5 4-4 ठेकेदार पाल रखे थे,
और वो ठेकेदार उनको जाके कहता है तेरा छोरा लुवाऊंगा, तेरी छोरी लुवाऊंगा, तेरा पोता लुवाऊंगा, तेरा दोता लुवाऊंगा, और गांव का कोई विकास करने का काम नहीं किया। आज गांव में जाके देखो सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है, ना पीने का पानी है, ना पशुओं का पानी है, ना और कोई सुविधा है, ना ट्रांसपोर्ट है। मैं आपका वकील बनकर ये सारे हक आपको दिलाने का काम करूंगा, ये संकल्प लेता है आपका ये भाई बलराज कुंडू की। और मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूं, मैं हर बार अपने गांव में जब भी स्पीच देता हूं बोलता हूं, मुझे आपकी वोट और सपोर्ट, आपको कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा कि आपने मुझे आशीर्वाद देकर आगे कुंडू की। जो भी सियाणा से कारा नहीं आया जी, भाई बलराज कुंडू की। तो मैं गर्मी बहुत हो गई, ज्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं अपनी सभी बहनों से एक निवेदन भी करना चाहता हूं, क्योंकि यहां बट नहीं सकता था, गेट पे मेरे टीम के सभी आपके भाई बंधु साथी खड़े हैं, सभी ने जो आपने मुझे राखी बांधी है, और इस पवित्र त्योहार पर जब बहन राखी बांधती है तो भाई उसको एक शगुन के रूप में कुछ ना कुछ देता है और आशीर्वाद देता है। आशीर्वाद तो आपके भाई ने आपको दे दिया और आपके साथ रहने का, आपकी प्रगति के लिए संकल्प ले लिया, लेकिन शगुन का लिफाफा मेरी तरफ से आपको, गेट पर मेरी टीम खड़ी है वो देगी। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, आप सब ने वो लिफाफा लेके जाना है। भाई बलराज कुंडू की। और एक मिनट, एक बहुत बढ़िया डांस प्रोग्राम बचा हुआ है, उनकी ख्वाहिश है कि मेरा वो प्रोग्राम कलाकार जी का है, उसने देख के जाइयो, बैठ जाओ 5 मिनट, दो मिनट और। और मैं राजेश जैन जी से माफी चाहता हूँ, बड़े भाई को मैं बुलवा नहीं पाया क्योंकि गर्मी बहुत होगी थी, लेट बहुत हो गए, और सब बहुत, मैं आप काफी कुर्सियां खाली होगी तो आपका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तालियों से स्वागत किया जाए अपने भाई बलराज कुंडू का, जोरदार तालियां। हरियाणवी डांस, एक हरियाणवी तो भी। आपने बलराज कुंडू को सुना जो कि बीजेपी नेता हैं, और महम में अक्सर उन्होंने महिलाओं के विकास के लिए या फिर लड़कियों के कॉलेज व्यवस्थाओं को देख के अगर बात की जाए तो उन्होंने हमेशा कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिनका लाभ सीधे तौर पर महिलाओं को मिला है।